आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वैल्यू बाय फ्रॉम एफएमसीजी सेगमेंट। इस स्टॉक ने पिछले 10 सालों में 20 गुना रिटर्न दिया है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो अब तक 20 लाख रुपए हो गए थे होते आपके इन 10 सालों में। जी हाँ, वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी बिस्किट मेकर की बात कर रहे हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की। तो ब्रिटानिया की कंपनी ने इतना शानदार रिटर्न दिखाया है पिछले 20 सालों में, 10 सालों में, कि आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये कंपनी तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। आइए चलकर सबसे पहले देखते हैं इसके चार्ट को। तो अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें इसका, तो 2010 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा था करीब करीब 120-130 रुपए के आसपास यहाँ पर। तो ये यहां से बढ़कर 3700 के आसपास पहुंच गया है। तो ये एक, जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि वैल्यू, जो वेल्थ क्रिएट होती है वो लॉन्ग टर्म में क्रिएट होती है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। आपको ऐसे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में, जिसकी फंडामेंटल वैल्यू अच्छी है, स्टॉक को इन्वेस्ट करके रख दीजिए। आप डेली वॉलिटिलिटी को भूल जाइए और उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा स्टॉक में। अगर फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे को इसके करीब 9.4 लाख शेयर्स ने हैंड एक्सचेंज किया है और क्लोज होते होते इसका प्राइस जो है 3797 पर बंद हुआ है। तो एक अच्छा हेल्दी एवरेज वॉल्यूम रहता है इसका जनरली, और इसकी वजह से ये स्टॉक काफी लाइमलाइट में है एफएमसीजी सेगमेंट की तरफ से। अगर कुछ और इसका डेली चार्ट देखा जाए तो डेली चार्ट के बेसिस पर आपको क्लियर कट नजर आएगा कि जब से इसने कोविड का लो बनाया है करीब करीब 2000 के आसपास का, 2100, वहां से एक यूनिडायरेक्शनल अप मूवमेंट किया है ऑल द वे अप टू अगस्त। और अगस्त के बाद थोड़ा सा नम रुख दिखा रहा है, यहां पर पॉज ले रहा है, अब उसके बाद फिर ऊपर जाने की तैयारी होगी। तो यहां पर एक अच्छा प्लेस है आपको अगर स्टॉक अक्यूमुलेट करना है अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो बहुत अच्छी वैल्यू बाय होती है इसमें। अब ब्रिटानिया की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाए तो करीब करीब 93,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं, 3,3500 का परसेंटाइल डिविडेंड देते हैं। यील्ड जो होती है बहुत कम हो जाएगी क्योंकि फेस वैल्यू 1 रुपए का शेयर, करीब करीब 3,700 रुपए का शेयर, सॉरी 3,700 के रेट में चल रहा है। अब अगर ब्रिटेनिया की बात की जाए क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पर, तो सरप्राइजिंगली इन्होंने सेल्स बढ़ गई है ब्रिटेनिया की जून के क्वार्टर में। लोगों ने लॉकडाउन में बिस्किट्स ज्यादा खाए हैं, तो 3,400 करोड़ की सेल्स हुई है कंपेयर टू 2,800 करोड़ की सेल्स के। यहीं पे अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो 542 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपेयर टू 372 करोड़ के। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है और सेल्स भी बढ़ी है, ये बहुत अच्छी खबर है इनके लिए अगर इस तरह से देखा जाए तो। तो कुछ और पैरामीटर अब हम टेक्निकल स्टडी करेंगे तो पता लगेगा कि क्या आगे की प्रक्रिया हो सकती है इस स्टॉक में। तो अगर इनकी वेबसाइट को देखें तो इनके पास डिफरेंट पोर्टफोलियो है, सिर्फ प्लेन बिस्किट नहीं बनाते, मैरी गोल्ड का जमाना चला गया, अब लोग बच्चों को थोड़ा सा ट्रीट टाइप से बिस्किट चाहिए होते हैं, तो इन्होंने फन ट्रीट करके बनाई हुई है बिस्किट। इन्होंने एज अ ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान को अपने पास लेके आए हैं, तो वो उनके लिए काफी अच्छा व्यू है जिसके थ्रू ये लोग काफी प्रोडक्टिविटी, इनकी सेल्स जो है वो बढ़ जा रही है। तो अगर इनका ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो सैफ अली खान है, साथ में इनके पास कई सारे प्रोडक्ट हैं जो ये लोग अपने आप लॉन्च करते रहते हैं। तो जैसे टी बिस्किट हो गए, टी के साथ में रस्क हो गए, बर्न हो गया, केक प्रोवाइड करते हैं, सो बिस्किट ही नहीं आप केक देते हैं, गुड डे वन ऑफ द गुड सेलिंग प्रोडक्ट फॉर देम। तो इसके चलते हुए इनके पास काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं जो आप जब मर्जी चाहें तब यूज़ कर सकते हैं इनके सिस्टम में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास में पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये आपके पास होना चाहिए। अब अगर निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है, पर एक प्रॉब्लम यह है कि 15 मिनट में निफ्टी ने 100 पॉइंट लूज किए हैं, जो कि एक नी जर्क रिएक्शन था यहां से। इसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव रुख बना के रखे हुए हैं। अब अगर मैकडी पे देखा जाए तो मैकडी नीचे चला गया था, पर यहां से अब थोड़ा सा इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में यहां से बाउंस बैक अप कंटिन्यू रहे इस स्टॉक में
परफॉर्मेंस के बेसिस पर देखा जाए तो। अगर स्टेक होल्डर की पैटर्न देखा जाए तो 50% है प्रमोटर की होल्डिंग, FII ने शानदार 14% होल्डिंग की हुई है, और DII में म्यूचुअल फंड ने भी इसको रखा हुआ है, इंश्योरेंस ने भी रखा हुआ है, और अदर्स आप और हम जैसे लोगों के पास 15% की होल्डिंग है। तो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक जरूर होना चाहिए दोस्तों, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अब कोविड का इम्पैक्ट जैसे मैंने बताया, एक्चुअली इनका कोविड का इम्पैक्ट पॉजिटिव है, क्योंकि लोग बाग और एक घर में लग रहा है कि बिस्किट थोड़े कंजम्पशन ज़्यादा किए हैं, और क्योंकि बिस्किट के काफ़ी इनके बिस्किट्स हैं जो हर सेगमेंट के लिए यूटिलाइजेशन होते हैं, मिडिल क्लास पीपल, लोअर क्लास पीपल, हाई एंड हाई क्लास पीपल, केक्स वगैरह, तो उस हिसाब से हर जगह पर इनकी डिमांड रोबोस्ट है। तो ये चलकर आगे चलकर इसको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक बटन जरूर दबाना। कुछ और टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं तो उससे बताएंगे। तो देखिए कुछ टाइम के लिए इसने यहाँ पर सेल सिग्नल दिया था, एक दिन इसका प्राइस अगर लो बन जाता है अपने सुपर ट्रेंड के सपोर्ट से तो वो सेल सिग्नल कर देता है, पर वो तब से एक स्टेबल जोन में है। जब भी जैसे ही प्राइस 3945 के आसपास क्रॉस करेगा तो ये ऊपर जाकर यहाँ से फिर से बाई सिग्नल जनरेट कर देगा, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है आपको रखने के लिए। दोस्तों हमारे चैनल का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है आपको सिखाने के लिए हमने एजुकेशन वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप अपने टाइम से जो वीडियो चाहे देख सकते हैं। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर बोथ टेक्निकल स्टडी एज वेल एज फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। अब अगर हम देखें यहाँ पर ब्रिटानिया का स्पेसिफिक व्यू, बुलिंजर बैंड के बेसिस पर बैंड थोड़ा नैरो हो गया है यहाँ पर, फिर नीचे के लेवल पे आया, अब यहाँ पर ये अपर सेक्शन में आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ से अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करे ऊपर जाने के लिए, तो एक अच्छा टाइम है इस तरह के वैल्यू स्टॉक को अक्यूमुलेट करने के लिए। जैसा हमने बताया लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएट होती है, तो आपको लॉन्ग टर्म की वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होनी चाहिए, वो हम बताते हैं। अब अगर इसके टारगेट की बात की जाए तो देखिए टारगेट के लिए आपको हम 3 साल का टारगेट बताएंगे इसका, पर पहले आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बता देते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होती है कंपेयर टू ट्रेडिंग के रेफरेंस में। तो आपको जो इसकी सबसे पहली क्वांटिटी परचेज करनी है वो करनी है 3730 रुपीज की। आप अपने कॉस्ट को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और 3 लेवल आपको बताएंगे जहां पर आपको परचेस करना है। आई रिपीट द नंबर्स इन इंग्लिश आल्सो। तो दूसरी क्वांटिटी जो है 3527 के आसपास परचेस करनी है, वहां पे आपको मिल जाना चाहिए। तीसरी क्वांटिटी शायद आपको मिले शायद आपको ना मिले, पर आपके पास कॉस्ट होनी चाहिए उसको अक्यूमुलेट करने के लिए। जो तीसरी क्वांटिटी है वो है 3210 की। तो आई रिपीट द होल थिंग इन इंग्लिश वंस। आपको अपना टोटल सम लेट्स से 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, तो एक एक स्टॉक आपको 3 लेवल के लिए पैसा बचा के रखना है, क्योंकि महंगा स्टॉक है तो करीब करीब आपको 11,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट चाहिए हमारी स्ट्रेटजी में कम से कम इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहला स्टॉक आप खरीदेंगे, फर्स्ट स्टॉक यूनिट बाय एट फर्स्ट लॉट यूनिट बाय एट 3730 रुपीज, सेकेंड लॉट यूनिट बाय एट 3520 रुपीज, एंड द लास्ट स्टॉक विच यू नीड टू बाय एज लॉट इज 3210 रुपीज। तो जब आपका ये अक्यूमुलेट हो जाएगा तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो होगी वो 3400 के आसपास होगी अगर आपको तीसरा लॉट में मिल जाता है, तो वो जो कि अच्छा कॉस्ट है आपका लॉन्ग टर्म के, एवरेज कॉस्ट लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहां से इस स्टॉक में आगे का रुख जो बनेगा 3 साल के लिए आपको करीब करीब 9,000 रुपए का टारगेट है। जी हाँ, बहुत एग्रेसिव टारगेट है, 3 साल में 9,000 का टारगेट इसका आगे आने वाले टाइम के लिए रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक बटन दबाना। अगर कोई सजेशन है जिसकी वजह से आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में डालिए कमेंट, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके आगे आने वाले वीडियो के लिए। आपने अपना एफर्ट डाला है तो हम बहुत आभारी हैं आपके। प्लीज हमें बताइए फीडबैक के बारे में ताकि हम अपने चैनल को इम्प्रूव कर सके। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप यहाँ पर सीख पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।